वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने केक बनाने के लिए ले लिया है छना हुआ अच्छा सा मैदा ले लिया एक कटोरी, और एक कटोरी मैंने फ्रेश मलाई के लिए ली है, एक कटोरी शुगर का ले लिया है मैंने, और ये फूड कलर है, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, और ले लिया है वनीला एसेंस। अब हम पहले मलाई और शुगर को अच्छे से ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। इकट्ठे डालने पे इसमें लम्स आ सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर केक का बेटर थोड़ा थिक हो तो इसमें आप नॉर्मल दूध डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और इसे अच्छे से मिलाते जाना है। इसमें मैंने ऑयलिंग कर ली है हाथ से, आप किसी ब्रश से मदद से कर सकते हैं। और फिर इस बटर पेपर को मैंने इसमें डाल दिया, और इसके ऊपर भी हल्का हल्का सा कर देना है। ये मेरा छोटा पड़ गया क्योंकि मेरा केक का बेटर ज़्यादा था, तो मैंने छोटे से भगोने में लिए इसे बनाने के लिए इसको भगोना ले लिया है। पतीला आपका थोड़ा थिक होना चाहिए, नहीं तो केक नीचे से पकड़ लेगा, तो इस टाइप का ले लें थोड़ा सा थिकनेस इसमें हो। यहाँ मैंने 2 ड्रॉप वनीला एसेंस का डाल दिया है। केक को हमें तब ओवन में नहीं बनाना है, हम इसको कुकर में बनाएंगे। तो पहले मैंने रख दिया है मोटा सा तवा जो आप रोटी के लिए यूज़ करते हैं। गैस को ऑन करना है, इसके ऊपर हमें रखना है ये कुकर जिसका नीचे का भाग प्लेन है, और उसे 5 to 6 मिनट फुल फ्लेम पे गरम करना है। कुकर के ढक्कन का अगर रबड़ है तो आप उसे बाहर कर दें, और इसका विसल भी बाहर कर दें। अभी हम इसे हीट होने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कलर फूड कलर डाला है, यहाँ बेटर का मैंने 2 पार्ट किया है, तो दूसरे में ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। इसमें हमें थोड़ा सा सूखा मैदा डाल देना है, अच्छे से फैला देना है। बिल्कुल छोटे स्पून से हमने डाला बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा को हिलाते हुए इसके बबल्स को बाहर कर देना है। अगर इसके अंदर
थोड़ा सा भी एयर होगा वो बाहर हो जाएगा पटक पटक के, सुनाई नहीं दे रहा होगा। कुकर काफ़ी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने केक वाले भगोने को। और इसको 20 से 25 मिनट स्लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के रख देंगे। एक दूसरा केक मेरा ये वनीला एसेंस का है, सेम प्रोसीजर है। इसको हम बनाएंगे कढ़ाई में, तो हमने रख दिया कढ़ाई हीट होने के लिए। देंगे कढ़ाई में और ढक देंगे 20 से 30 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। कुकर का ढक्कन खोल के हमें एक बार चेक कर लेना है। एक स्टिक लेके आप अभी इसमें बैटर चिपक रहा है तो अभी ये पका नहीं है, हमें थोड़ी देर के लिए इसे और रख देना है। और गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है, इसे 10 से 15 मिनट और छोड़ना है। और हमें दूसरा वाला केक भी चेक कर लेना है जो हमने कढ़ाई में रखा है, और इसमें भी स्टिक डाल के देखेंगे। अभी इसे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे भी हम कुछ टाइम के लिए फिर से ढक के रख देते हैं। केक को हमें बीच बीच में चेक करते रहना, कहीं ये चिपक ना जाए नीचे से। अब 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारा केक कैसे बना है। यहाँ हमने ले लिया एक स्टिक, केक बन चुका है। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए, हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। इधर हम दूसरा वाला भी देख लेते हैं, इसको भी स्टिक की मदद से चेक करेंगे। स्टिक एकदम क्लीन हो चुकी है तो ये भी बन गया है। इसकी भी गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने तक रख दिया जाएगा। यहाँ पे केक बन चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। केक भी बनके रेडी हो गया है। अगर केक पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।